नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। अगर अभी तक आपने अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों, आज की एक शुरुआत करते हैं। आज तारीख है 4 जुलाई और टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं दिन के। तो आज का जो मैंने शेयर चूज़ किया है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का, ONGC के शॉर्ट की है ONGC। क्या अभी इसमें अप ट्रेंड बाकी है? देखिए दोस्तों, के आप समझते हैं ऑयल और गैस की डिमांड डे बाय डे बढ़ेगी और कंपनी ग्रोथ होंगी, जो भी इस सेक्टर के अंदर है वो कंपनी ग्रो करेंगी। तो डेफिनेटली देखिए, जैसे अनलॉक हो रहा है, जैसे कोविड के केसेस ख़त्म हो रहे हैं, अनलॉक होता है, वैसे नेचुरल गैस यानी CNG की डिमांड बढ़ेगी, ऑयल की डिमांड बढ़ रही है। तो देखते हैं कि इसके अंदर अभी भी अप बाइंग का मौका है या इसके अंदर और भी प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। इसके अंदर शेयर के अंदर बाय करके होल्ड करके पेशेंस के साथ क्या इसमें और अच्छे अर्निंग कर सकते हैं या अपने पैसे को डुप्लीकेट कर सकते हैं, डबल ट्रिपल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये फ्राइडे को ओपन होता है 120 रुपये पे, हाई जाता है 120 रुपये 85 पैसे और लो मारता है 118 रुपये का, ठीक है। और इसका 52 हाई है 188, 52 लो है 64 रुपये। देखिए दोस्तों, ज़्यादा लो भी नहीं, ज़्यादा हाई भी, एवरेज में अभी मूव कर रहा है। अब देख लेते हैं इसका चार्ट, इसको क्या कह रहे हैं हमारे को। तो मैं ONGC का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो डेली चार्ट पे ये अपना अभी भी कैसे में अप आएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका MACD और RSI नेचुरल चल रहा है, यानी कि ना तो ओवरबॉट में ना ओवर सेलिंग के अंदर है, तो नेचुरल है, मीडियम में चल रहा है ये। और ये देखिए, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट मारा था, तो जब से डाउनफॉल आ गया 122 से डाउनफॉल हुआ है। बट अब इसमें देखिए, ये पैटर्न यहाँ से तैयार हो रहा है, तो यहाँ से पैटर्न तैयार हो रहा है, तो ये अप ट्रेंड की तरफ भागना तैयार हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ से अगर ये आपको 115 से लेके 120 तक के बीच में मिलता है, डेफिनेटली बाय करिए, इसमें पैसेंस साथ रखिए, क्योंकि ये अप ट्रेंड की तरफ तैयार होगा। अब मैं इसका वीकली चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो इसका वीकली चार्ट ओपन हो रहा है, तो ये वीकली चार्ट में देखिए, इसमें भी देखिए इसका MACD भी एवरेज चल रहा है, RSI 50 से अबव चल रहा है, सही चल रहा है, यानी कि चार्ट भी सही, वीकली चार्ट में भी अच्छा अप ट्रेंड की तरफ है। तो डेफिनेटली इसमें बाय करिए दोस्तों। इसमें मेरा जो पैरेलल टारगेट, अगर ये आपको 120 से नीचे जब भी मेजर जितनी भी गैप अप ओपनिंग या डाउनफॉल की तरफ मिलता है, तो इसमें इसके जब भी गिरावट करें, जब भी इसमें बाय करिए, पहला मेरा टारगेट 125 का है, दूसरा टारगेट मेरा 130 का, चौथा तीसरा टारगेट मेरा 140 रुपये का है। पहला टारगेट मेरा 125, दूसरा टारगेट मेरा 130, तीसरा टारगेट है मेरा 140 रुपये का। तो डेफिनेटली इसमें बाय करिए। अब देखते हैं कि भाई मनी कंट्रोल अदर एनालाइजर क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। मैं मनी कंट्रोल की साइड ओपन कर लिया मैंने, ये देखिए, यानी कि इसका ना जो क्वार्टरली रिजल्ट यानी जो ईयरली रिजल्ट है तो बहुत अच्छा था, बट क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर ना थोड़ा सा लॉस आया था, बट कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी प्रॉफिट दे रही है, कंपनी का ग्रो है, कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है कि एकदम से डाउन हो जाएगा सब कुछ। ये देखिए, इसमें जियो जेट भी हमें 150 से 145 का टारगेट दे रहा है। ये देखिए 100% इसमें एनालाइजर हमें बाय करने के लिए बोल रहे हैं, समझ सकते हैं दोस्तों कि 100% एनालाइजर हमें बाय करने को बोल रहे हैं। मैं टिकट टाइप के साइड पर चले जाता हूँ, 76% एनालाइजर हमें बाय करने के लिए बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली इसमें बाय करिए। और इसका देखिए PE भी बेस्ट है इसका, यानी सेक्टर के इसके रैंक भी देखिए 29 रैंक है, यानी निफ्टी के साथ लिक्विडिटी के साथ चलेगा, क्योंकि निफ्टी आप देखिए किस तरह डाउन होगा, जैसे निफ्टी भगेगा तो ये भी भगेगा। तो डेफिनेटली इस समय इसमें सब बाय करने का सही समय है, आप इसमें बाय करिए। पहला टारगेट 125, दूसरा टारगेट 130, तीसरा टारगेट 140 रुपये का। ये टारगेट आपको नियर बाय 15 दिन के अंदर दिख सकता है, 15 से एक महीने के अंदर दिख सकता है। तो डेफिनेटली इसमें बाय करके पेशेंस साथ होल्ड करिए और अपने पैसे को डुप्लीकेट करिए। आई होप ये वीडियो आपके यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।